पहले अपना नालंदा जिला कहिए शक्ति सिंह यादव जी को बचा लेने के लिए, उसके बाद नवादा में झांकेंगे, है ना। अपना जमानत बचा ले नालंदा जिला, आज उनके छवि के बारे में पता कर लीजिए। हम लोग पास तो बहुत काम धंधा है, बहुत जगह से इनकम है, तो हम लोग पैसा कुछ कमाए हैं, लेकिन वो बताइए जो 10 साल से मुखिया रहा, आखिर ऐसा कौन काम किया जो चुनाव पे चुनाव लड़ने का काम किया जा रहा है। अशोक यादव को विधान परिषद भेजने के लिए हम लोग जन सहयोग लाया, हर हालत में जीता करके भेजेंगे। पूरे जिला में आंधी आ गया है अशोक यादव के प्रति में, एक आदमी अशोक यादव है, कोई पार्टी पे हुआ यहाँ अशोक यादव पार्टी पे हुआ है। जो हम लोग के नेता राजवल्लभ यादव है, उनको जो दबाने का और जो सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है, उसको हम लोग कुचलने का काम करेंगे इस चुनाव में। नमस्कार, मैं हूँ राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। आरजेडी ने जैसे ही नवादा में अपने उम्मीदवार का ऐलान किया, अब आरजेडी नवादा में भारी बगावत हो चुकी है और राजवल्लभ यादव का खेमा अब आरजेडी के खिलाफ मैदान में उतरने को तैयार हो चुका है। आपको बता दें कि आरजेडी ने पिछले दिनों नवादा की सीट के लिए श्रवण कुमार कुशवाहा का नाम फाइनल किया कि वो इस बार 2022 में आरजेडी के नवादा से एमएलसी उम्मीदवार होंगे। उसके बाद सबसे पहले जिलाध्यक्ष महेंद्र यादव ने त्यागपत्र दिया, तो वहीं अब दूसरी तरफ नाराज राजवल्लभ यादव का खेमा अब उधर से अशोक यादव निर्दलीय प्रत्याशी बनने को लेकर अपना ऐलान कर चुके हैं। एक बड़ा कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, उस वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस कार्यक्रम में राजवल्लभ यादव के समर्थक, तमाम जीते हुए पंचायत जनप्रतिनिधि ये आपको नजर आएंगे और अशोक यादव जो कि राजवल्लभ यादव के करीबी बताए जाते हैं, वो इस बार निर्दलीय उम्मीदवार बनकर मैदान में उतरने जा रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप सुनिए। ये पार्टी खड़ा करने का काम हमारे परिवार के लोग किए हैं, इसलिए पहला जो यहाँ की जनता जो हम लोग के साथ भावना जोड़े हुए है, जो उन लोग का जो निर्णय होगा वही हम लोग करने का काम करेंगे। अभी तक बहुत सारे प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और छात्र संघ नेता लोग बहुत सारे इस्तीफा की अपील की। ये चीज तो प्रदेश के लोग को सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या वजह हो गया कि लोग आज संगठन के लोग इस्तीफा देने का काम किया जा रहा है। आखिर कहीं ना कहीं तो कहीं गलत भावना में आके उन लोग ने डिसीजन लिया है, गलत उम्मीदवार का चयन किया गया है। आज उनके छवि के बारे में पता कर लीजिए। हम लोग पास तो बहुत काम धंधा है, बहुत जगह से इनकम है, तो हम लोग पैसा कुछ कमाए हैं, लेकिन वो बताइए जो 10 साल से मुखिया रहा, आखिर ऐसा कौन काम किया जो चुनाव पे चुनाव लड़ने का काम किया जा रहा है। उसके द्वारा बहुत सारा घोटाला और चोरी, बालू चोरी और किडनेपिंग तक का धंधा में शामिल वैसा व्यक्ति है, वैसा व्यक्ति को कभी हम लोग आगे बढ़ने नहीं देंगे। तेजस्वी जी का पहले भी निर्णय जो हुआ है, पैराशूट नेता लोग को उतारने का काम किए हैं, जो कहीं ना कहीं यहाँ के लोग को, यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के नेता, जनता के भावना को ठेस पहुँचता है, उसको बचाने के लिए हम लोग आगे आए हैं। शक्ति सिंह यादव कहते हैं कि जो आरजेडी वाले जो इस्तीफा दे रहे हैं उनको हम स्वीकार नहीं कर रहे। पहले अपना नालंदा जिला कहिए शक्ति सिंह यादव जी को बचा लेने के लिए, उसके बाद नवादा में झांकेंगे, है ना। अपना जमानत बचा ले नालंदा जिला, उसके बाद नवादा की चिंता करेंगे। कहा जाता है कि नवादा में आरजेडी का क्या होगा ये तय करते हैं राजवल्लभ यादव। इस बार भी एमएलसी उम्मीदवार को लेकर विनोद यादव और अशोक यादव के नाम चर्चा में थे, यहां तक कि जिलाध्यक्ष महेंद्र यादव भी अपने को इस चुनावी रेस का घोड़ा मान रहे थे, लेकिन जब टिकट की बारी आई तो पैराशूट उम्मीदवार के तौर पर श्रवण कुमार कुशवाहा का नाम सामने आया, जिनका कोई आरजेडी से लेना देना नहीं था, और उसके बाद से ही नवादा के आरजेडी में काफी बगावत देखने को मिल रही थी और ये माना जा रहा था कि राजवल्लभ यादव कहीं ना कहीं निर्दलीय अपना प्रत्याशी उतारेंगे और अब अशोक यादव जो उनके करीबी हैं वो इस बार ताल ठोकते आरजेडी के सामने आपको नजर आएंगे और ऐसे में अब आरजेडी के लिए मुश्किलात नवादा की सीट पर काफी ज्यादा बढ़ गई है। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।